अब तक जिन्होंने क्रू मीडिया रूम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वे नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाकर पहले सब्सक्राइब कीजिए। और अगर हमारे चैनल की अपडेट को जानना चाहते हैं, तो उसके बगल में दिए गए बेल आइकॉन को दबाकर आप हमारी अपडेट की जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। नमस्कार, चेन्नई राधा इंजीनियरिंग वर्क संस्था की क्यू न्यूज की तरफ से आपका गणेश स्वामी। आज का मुख्य समाचार कुछ इस प्रकार है। चुनौतीपूर्ण कार्य को निर्धारित समय पर किए जाने के लिए प्रशंसा पत्र को हासिल किए हमारे जासुड़ा आईपीपी के मैकेनिकल समूह। 1000 रैकों में जीरो डैमरेज के लक्ष्य को प्राप्त कर उपलब्धि को हासिल किए हमारे आयल ऑफिस के समूह। वेजल अनलोडिंग PWD में उपलब्धि को हासिल किए हमारे JSW फेज 2 के समूह। और अब समाचार विस्तार से। चुनौतीपूर्ण कार्य को निर्धारित समय के अंदर किए जाने के लिए प्रशंसा पत्र को हासिल किए हमारे जासोड़ा आईपीपी के मैकेनिकल समूह। हमारी संस्था सिस्टम में उत्पन्न होने वाली प्रमुख दिक्कतों को शीघ्रता से क्लाइंट से विचार विमर्श कर और उसकी जरूरती स्पेयर एवं परमिट टू वर्क जैसे सहायता को प्राप्त कर इसकी पूर्ण रूप से समाधान करते आ रहे हैं। उस प्रकार से हमारे जासोड़ा आईपीपी साइट की स्टक रिक्लाइमर, बी बकेट व्हील में, डी साइट की बैरिंग में क्लियरेंस अधिक होने की दिक्कत को हमारे मैकेनिकल के समूह द्वारा इसकी जाँच किए और इस दिक्कत के बारे में क्लाइंट से विचार विमर्श कर और इसे ठीक किए जाने के लिए बैरिंग स्पेयर की मांग किए। मगर क्लाइंट के पास इसकी पर्याप्त मात्रा में स्पेयर उपलब्ध ना होने के कारण इस कार्य को किए जाने में कुछ विलंब होने लगी थी। उसके पश्चात इसकी समस्या अधिक होने पर क्लाइंट से फिर विचार विमर्श कर इसकी उन सभी स्पेयर को प्राप्त किए और इस कार्य को 72 घंटे में किए जाने की योजना बनाए। और हमारे मैकेनिकल के समूह ने बेहद बेहतरीन तौर से कार्य कर इसे महज 69 घंटों के अंदर बिना किसी सेफ्टी वायलेशन एवं इंजरी के इसे संपन्न किए हैं। इस प्रकार 69 घंटों के अंदर वहां के स्टक रिक्लाइमर बकेट व्हील बैरिंग को बदले जाना उस साइट में यही प्रथम बार है। इस कार्य की बदौलत लंबे समय से आने वाली उन सभी दिक्कतों का समाधान किए हैं। इस कार्य की कठिनता एवं निर्धारित किए समय के अंदर कार्य को संपन्न किए जाने को ध्यान में रखते हुए आईपीपी मेंटेनेंस हेड श्री तरुण कुमार वर्मा जी एवं ओएनएम हेड श्री बीके जयसवाल जी ने इसके लिए बेहद प्रशंसा किए हैं। और हमारे साइट के आरंभ श्री रवि जी एवं श्री इलवरसन जी ने भी अपनी प्रशंसा को जाहिर किए हैं। 1000 रैकों में जीरो डैमरेज के लक्ष्य को प्राप्त कर उपलब्धि को हासिल किए हमारे आईएलएफएस के समूह। हमारी संस्था अन्य संस्था द्वारा जिन समस्यापूर्ण स्थिति की कार्य को लेने के बारे में सोचे, उस प्रकार के कार्यों को भी निडरता पूर्वक एवं पूर्ण आत्मविश्वास के साथ उसे लेकर उसमें कई प्रगति को कायम कर उसे उच्च स्तरीय मुकाम पर पहुंचा रही है कहे तो ये असत्य ना होगा। उस प्रकार से पिछले एक वर्ष में 1000 रैकों को ट्रैक होपर के माध्यम से निर्धारित समय के अंदर बिना किसी रुकावट के अनलोडिंग कर इन 1000 रैकों को जीरो डैमरेज के लक्ष्य को हासिल किए हैं। और सभी विभाग की बेहतरीन प्रयास से ही ये उपलब्धि को आईएलएफएस के समूह द्वारा हासिल किए हैं। इसके बारे में ऑपरेशन एचओडी श्री सरवानंद जी एवं श्री योराज जी द्वारा बयान किए जाने पर रेसिडेंट मैनेजर श्री पीजे राजा जी की मार्गदर्शन से और ऑपरेशन की बेहतरीन योजना एवं मेंटेनेंस विभाग की पूर्ण सहयोग से ही इस उपलब्धि को हासिल किया जा सका है। अब आने वाले समय में भी इसे निरंतर किया जाएगा और इसे बेहद गर्व के साथ बयान किए हैं। और आईएलएफएस के उच्च अधिकारियां स्टेशन हेड श्री परमेश्वरन जी, ओएनएम हेड श्री किशोर आरकाट जी, जीएम श्री गुहन जी और ऑपरेशन मैनेजर श्री श्रीनिवासन जी ने इसके लिए हमारे समूह की प्रशंसा करते हुए उन्हें प्रोत्साहित किए हैं। हमारे आदरणीय संस्थापक पिता श्री एस वेंकटेशन जी और हमारी संस्था के MD श्री वी आर सिंधुल कुमार जी, डायरेक्टर श्री वी आर रामू जी ने भी आईएलएफएस के समूह को अपनी प्रशंसा को जाहिर किए हैं। वेजल अनलोडिंग PWD में नई उपलब्धि को हासिल किए हमारे JSW फेज 2 के समूह। मटेरियल हैंडलिंग में नई उपलब्धि को हासिल किए हैं हमारे JSW फेज 2 के समूह। अब तक से ज्यादा पिछले 22/12/2019 को बर्थ 3A में MV PAVIA वेजल में से कोल को अनलोडिंग कर एक ही दिन में तकरीबन हाईएस्ट डिस्चार्ज के रूप में 80,138 मेट्रिक टन PWD यानी पर वदर वर्किंग डे में अनलोडिंग कर एक उच्च स्तरीय मुकाम को हासिल किए हैं। और इससे पहले हाईएस्ट PWD के रूप में
एमवी विलियम वेजल से 72,544 मेट्रिक टन कोल को अनलोडिंग किए जाना अधिक स्तर की उपलब्धि थी और इसके बारे में ऑपरेशन एचओडी श्री पंकज चुरी जी द्वारा बयां किए जाने पर ये बेहतरीन कार्य मेंटेनेंस विभाग की अथक परिश्रम एवं ऑपरेशन विभाग की बेहतरीन योजना की बदौलत ही ये संभव हो सका है। और इसमें सुल ऑपरेटर श्री रवि कुमार जी द्वारा हाईएस्ट ग्रैब साइकिल यानी 79 बार इसे बेहतरीन तौर से किए हैं और ये बेहद ध्यान देने योग्य है और इसे जेएसडब्ल्यू फेज 2 के उच्च अधिकारियों ओएनएम जीएम श्री महेश रामचंद्रा जी ऑपरेशन असिस्टेंट मैनेजर श्री रमेश कुमार जी ने हमारे समूह की प्रशंसा करते हुए उन्हें प्रोत्साहित किए हैं और रेसिडेंट मैनेजर श्री पीसी वर्मा जी डिप्टी रेजिडेंट मैनेजर श्री कुमार जी ने भी अपने समूह की बेहद प्रशंसा किए हैं। और इसी प्रकार की कई नई खबरों के लिए हमारे क्रू न्यूज के साथ जुड़े रहिए और अगर आप हमारी अपडेट की जानकारी को जानना चाहते हैं हमारे क्रू मीडिया रूम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।